रातों रात दुनिया इधर की उधर हो चुकी है क्योंकि विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं। ब्रॉक लेसनर अब नहीं लड़ना चाहते समरस्लैम में। क्या हो गया? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आज सुबह जागा भाई स्मैकडाउन देखने के लिए। मुझे लगा चलो स्मैकडाउन है, मजेदार शो होने वाला, ब्रॉक लेसनर आने वाले थे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि विंस मैकमैन की रिटायरमेंट से नाराज होकर ब्रॉक लेसनर ने लेफ्ट कर दिया स्मैकडाउन और अब वो नहीं कम्पीट करना चाहते समरस्लैम में, क्या कुछ पूरी अपडेट आई है सामने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या कुछ स्टेफनी मैकमैन ने क्या कहा आज के स्मैकडाउन की ओपनिंग के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो होता है बस आज से कुछ घंटे पहले यानी करीबन 5 से 6 घंटे पहले हमारे विंसेंस केनेडी मैकमैन पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को हिलाते हुए नजर आते हैं क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। एकदम सही सुन रहे हो, विंस मैकमैन अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू चीज को अनाउंस करते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे, कहते हैं @77 टाइम फॉर मी टू रिटायर, थैंक यू WWE यूनिवर्स, देन नाउ फॉरएवर टुगेदर #WWE #thankful। अब जैसे ही ये ट्वीट होता है भाई रेसलिंग वर्ल्ड पूरा इरप्ट हो चुका है। मैं क्या बताऊं, इतने सारे ट्रेंड होता हुआ नजर आता है विंस को लेके। इवन इस वाली ट्वीट के ऊपर भी 200 के से ऊपर लागे जो कि 5 घंटे के अंदर ही हो गए। आप समझ सकते हो कि विंस मैकमैन की इस रिटायरमेंट ने कितनी ज्यादा बड़ी चीज कर डाली है। इसके काफी सारे लेजेंड्स वगैरह थैंक्स करते हुए नजर आते हैं और ये बात इमीडिएटली अनाउंस होती है कि जो स्टेफनी मैकमैन है वो आएंगे स्मैकडाउन के शो के अंदर। स्टेफनी मैकमैन आती है स्मैकडाउन के शो में और स्टेफनी मैकमैन ओपनिंग करती है शो के साथ में विंस मैकमैन की रिटायरमेंट की बात के साथ में और बताते किस तरीके से वो ऑफिशियली रिटायर हो चुकी है। यहाँ पर थैंक यू विंस के चैंट्स भी लगते हुए नजर आते हैं। अब स्टेफनी मैकमैन यहाँ पर ये कहते हैं पहले विंस मैकमैन ने WWE यूनिवर्स का थैंक यू किया तो क्यों ना आज WWE यूनिवर्स और हम लोग मिलकर विंस का थैंक यू करते हुए नजर आए। और थैंक यू विंस के जो मैसिव चैंट्स है वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में लगते हुए नजर आते हैं। और स्टेफनी मैकमैन यहाँ पर इमोशनल भी होते हैं और ये ऑफिशियली बात कंफर्म है कि विंस मैकमैन ने स्टेप डाउन कर दिया पोजीशन से, वो WWE को लीव कर चुके हैं। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था कि अचानक से विंस मैकमैन इतनी बड़ी रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे और भाई अचानक से बवाल अनाउंस हो जाएगा समर स्लैम से पहले। लेकिन बवाल इसलिए अनाउंस हो चुका है ब्रॉक लेसनर को लेकर। आपको याद होगा साशा बैंक्स से नयोमी का वॉकआउट, तो एक वॉकआउट में एक और बंदा ऐड कर दो, वो नेम है काउबॉय ब्रॉक लेसनर का। एकदम सही सुन रहे हो, बताया जा रहा है जैसे ही ये बात पता लगती है ब्रॉक लेसनर को कि अब विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं, वो स्मैकडाउन को कर चुके हैं वॉकआउट। और यहां पर जो लाइनें बताई जा रही हैं वो ये थी कि ब्रॉक ने कहा कि अगर विंस जा चुका है तो मैं भी यहां से जा रहा हूं। और विंस मैकमैन की बातें सुनने के बाद रिटायरमेंट की ब्रॉक लेसनर काफी नाराज होकर जाते हुए नजर आते हैं। और जो समर स्लैम का मेन इवेंट है अब वो डेंजर में आ चुका है, खतरे में आ चुका है। अब ये मैच कैंसिल हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकती है ब्रॉक की। अब भाई क्या होगा आने वाले टाइम में मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जो स्मैकडाउन का पूरा प्रीव्यू हो रहा था वहां से ब्रॉक को पुल आउट कर लिया गया और ब्रॉक लेसनर वॉकआउट कर चुके जैसे उन्हें ये बात पता लगी कि विंस मैकमैन हो चुके हैं रिटायर। तो जरूर काफी सारे फैंस खुश होंगे कि फाइनली विंस ने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन ब्रॉक लेसनर का नाराज होना WWE के लिए काफी बड़ी चीज है। और अगर समर स्लैम का जो मेन इवेंट है वही नहीं होने वाला है तो भाई समर स्लैम के अंदर अब होने क्या वाला है? लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला था इतना बड़ा, लेकिन अचानक से WWE को सारे प्लान्स बदलने पड़ेंगे। अब देखो आने वाला टाइम में क्या होता है, जैसे कोई भी इसको लेकर अपडेट आएगी सामने, उसकी जो अपडेट है फॉर श्योर आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वैसे WWE कन्विंस करने का ट्राई कर रही है ब्रॉक लेसनर की भाई समझ जाओ विंस को रिटायर होना जरूरी था, अगर ब्रॉक समझ जाते तो ठीक है, वरना आपको ब्रॉक लेसनर की अब समर स्लैम के रिप्लेसमेंट देखने के लिए मिलने वाली है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।